Hi guys, let me show you one of the Instagram friendly destination in Dubai. I belong to you. Do just what you want. सो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो सारे? वेलकम टू दी चैनल। इस टाइम पे मैं आया हूँ लामेर। ये सारा नया सेटअप है दुबई के अंदर। यूजुअली यहाँ पे सारे अरेबियंस आते हैं। इन अरेबियंस का अपना ये बीच है बेसिकली, और इन्होंने इसको बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है, अपने माइंड को एक अच्छा सा रिलैक्स करने के लिए, फ्रेश करने के लिए बनाया हुआ है। तो बहुत प्यारी जगह है, आपको ये जगह एक बारी एक्सप्लोर करवाते हैं, घुमाते हैं एंड खुद भी घूमते हैं। चलो आओ चले। It's like an outdoor mall with beachfront that offers shopping, dining with lots of attraction and entertainment, and especially atmosphere which I get at that time was very awesome, man, can't explain. ये वाली जो बीच की प्रॉपर्टी है ना यार, ये बहुत ही ना लग्जरियस स्टाइल में बनी हुई है। एक एक चीज़ ना यार बहुत डिफरेंट तरीके से बनी हुई है। मैं एक्चुअल में आया रात को हूँ, तो इस करके थोड़ा रात के नज़ारे आपको दिखा रहा हूँ। दिन में आऊँगा तो दिन के नज़ारे बिल्कुल डिफरेंट वाले और अलग वाले होंगे। ये बना बहुत सुंदर हुआ है, देखो। कोशिश करूंगा अगर दिन में आ पाया तो दोबारा से एक और वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए कि यार ये बहुत ही प्यारी सी, बहुत डिफरेंट सी, कुछ अलग सी वाइब्स दे रहा है। ये बहुत प्यारी वाइब्स दे रहा है। एक चीज़ नोटिस करो, एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये शावर पॉइंट है एंड कितना यूनिक सा बनाया हुआ है इसको। देखो मैं प्रेस करके दिखाता हूँ इसको। नहीं, पानी अभी आ नहीं रहा, पर बना देखो कितना प्यारा हुआ है, राइट? चेक करो कितना प्यारा बना हुआ है। मतलब एक एक चीज़ जो यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है ना, बहुत प्यारी तरीके से, बहुत सोच समझ के, प्रॉपर एक मैन मेड बीच है। पहचाना ये कौन सा हैंडपम्प है? पहचानो, थोड़ा ध्यान से देखो ये कौन सा वाला हैंडपम्प है। ये वही वाला हैंडपम्प है जो गदर पिक्चर के अंदर सनी देओल ने उखाड़ा था। ऐतिहासिक है, यहाँ लगा दिया इसको लाके। ये सारे ड्रम ना CNC कंपनी के हैं। एक दिन आराम से बताऊँगा CNC के बारे में कि CNC क्या चीज़ है। एंड आफ्टर दैट वी प्रोसीड टूवर्ड्स द एटलांटिस, क्योंकि यार हमारे पास टाइम बहुत कम था और जगहें बहुत ज़्यादा थी दुबई के अंदर घूमने के लिए। तो इस करके हमने एटलांटिस को रात को ही कवर करने का सोचा और हम निकल पड़े एटलांटिस की तरफ। बाइक हमारे अपने पास थी तो हमने कहा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। एंड यार उसके बाद जो हमें रात को नज़ारे मिले, ओए होए क्या औसम थी यार। मतलब दिन में दुबई कुछ और है और रात को कुछ और है,
बट जो रात का मज़ा आया ना यार, उसके बारे में तो यार आप, मैं मतलब क्या ही बोलूँ, आप इसको देखो एक बार ध्यान से, सारी चीज़ों को इन्जॉय करो, एंड कलर्स देखो, स्ट्रीट्स के कलर्स देखो, बिल्डिंग्स के कलर्स देखो, मतलब सारी बिल्डिंग्स के कलर यार एक जैसे ही है, किसी का भी डिफरेंट नहीं है, तो यही एक खासियत है दुबई की। प्लस आप इन्जॉय करो सिनेमेटिक शॉट्स। रात के नज़ारे लेते लेते घूमते घूमते रोड्स के ऊपर इस टाइम पे मैं आ गया हूँ एटलांटिस के बाहर। ये देखो, ये रहा मेरे पीछे। टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है इस करके ना मैं आ नहीं पा रहा हूँ दिन में और बहुत सारे वाले काम होते हैं, तो छोड़ दिया मैंने, कहा यार छोड़ो रात को ही जाके एक छोटा सा राउंड ले आते हैं, क्योंकि खास कुछ है नहीं यहाँ पर दिखाने वाला। मेन एटलांटिस में ये होटल है, बट यहाँ आने के लिए भी ना काफ़ी दूर से पैदल चल कर आना पड़ता है या टैक्सी पर आना पड़ता है, एंड टैक्सी पर अगर आप आते हो तो रफली आइडिया आपका 100 से 150 दिरहम लग जाएंगे, पर मेरे पास टाइम है नहीं, इस करके मैं दिन में आ नहीं पाया, मैं रात को आया हूँ ये जगह को शूट कर रहे हैं कि ताकि मेरा दुबई का कोई पार्ट रह ना जाए, कि भैया दुबई के सीरीज़ बना रहे हैं, ये ना हो कि मेरा दुबई के छोटे छोटे मेन हिडन जैम्स को पकड़ते ये मेन बड़ा जैम रह जाए, तो इसलिए मैं अभी कवर करने के लिए अभी आया। तो बढ़िया है, फिर चलते हैं आगे। सामने बीच है इसके, जो भी दिखाई नहीं देगा, और ये वॉकिंग स्ट्रीट है जो अभी खाली है क्योंकि रात के 2 बज रहे हैं, तो कुछ खास है नहीं अभी दिखाने के लिए, बट फोटोज़ हैं, 2-4 फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं, इंस्टाग्राम पे काम आएंगी। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लेना, साइड पर देखो कहीं पर आईडी आ रही होगी, तो फॉलो करो, प्रॉपर अपडेट्स मिलेंगी आपको कि मैं सारा दिन क्या करता हूँ, कहाँ जाता हूँ, क्या करते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे, मिलते हैं फिर आगे। ठीक है, आ जाओ फोटोज़ खिंचवा लूँ ना फिर मैं, ज़्यादा टाइम है नहीं है, 2 बज रहे हैं, घर जाके सोना भी है। ठीक है, चलो मिलते हैं।